पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है क्यों दुनिया में उसे टेरर एपिसेंटर या ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेरर कहा जाता है, यानी आतंक का सबसे बड़ा केंद्र। दुनिया आतंकवादियों को सजा देती है, लेकिन पाकिस्तान एक आतंकवादी की न केवल सराहना करता है बल्कि एक आतंकवादी की पत्नी को बाकायदा मंत्री बना देता है, वो भी मानवाधिकार मंत्री। पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री की कैबिनेट में एक खूंखार आतंकवादी की पत्नी को शामिल किया गया है, जिसके सहारे पाकिस्तान अब कश्मीर पर और झूठ बोलने की साजिश रचेगा। लेकिन एक आतंकी की पत्नी और आतंकी की छोटी सी बच्ची का किस तरह पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, यह बताता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट किस कदर बढ़ गई है। क्योंकि पाकिस्तान में अब खुद वहां के लोग कह चुके हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से हार गया है। कश्मीर पर अब पाकिस्तान के लोग ही अपनी सेना और सरकार को सुनाने लगे हैं। हर उस एक हार की कहानी चौक चौराहों पर सुनी जा रही है जो कश्मीर के नाम पर लड़ी गई। इसीलिए जब पाकिस्तान दुनिया की तरह घर में भी कश्मीर का केस हारता दिखा तो उसने एक बच्ची और एक महिला पर दांव लगाया। कश्मीर पर पाकिस्तान के दो नए मोहरों का नाम मुशाल हुसैन मलिक और रजिया सुल्तान। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि यासिन मलिक जैसे खूंखार हत्यारे और आतंकवादी की पत्नी को मंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए। मुशाल को मानवाधिकारों पर पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री अनवर उल हक करार की विशेष सहायक बनाया गया है। मतलब अब वो कश्मीर पर झूठ बोलने की नई ठेकेदार होंगी। पाकिस्तान परेशान है कि दुनिया उसकी नहीं सुन रही। कश्मीर पर उसके झूठ का ढोल फट चुका है और घाटी के लोग उसे पहचान गए हैं। इसीलिए नए सिरे से कश्मीर के नाम पर फरेब बेचने के लिए पाकिस्तान ने यासिन मलिक की पत्नी को आगे किया, ताकि मानवाधिकार के नाम पर उसे कुछ फायदा मिल सके। सोचिए, जो महिला मानवाधिकार की दुनिया में बात करेगी, उसके पति ने चार भारतीय वायुसेना के अफसरों को सरेआम कत्ल किया, पूरी बेशर्मी से अपना गुनाह भी कबूल किया, भारत के गृह मंत्री की बेटी को अगवा करके पांच खूंखार आतंकवादी छुड़वाए, कश्मीरी पंडितों जजों का मर्डर किया जो टेरर फंडिंग केस में दोषी पाया गया है। लेकिन धर्म के नाम पर अंधे पाकिस्तान अगर आतंकवादी की पैरवी नहीं होगी तो कहाँ होगी। दुनिया भले ही आतंकवाद से नफरत करे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इससे प्यार है। तभी तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने वाली मुशाल यासिन मलिक को दिल दे बैठी। मुशाल एक पाकिस्तान के बड़े खानदान से आती है। उनके पिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री है, जबकि माँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की महिला इकाई की पूर्व महासचिव रह चुकी है। मुशाल के भाई हैदर अली मलिक विदेश नीति के विद्वान और अमेरिका में प्रोफेसर है। लेकिन फिर भी मुशाल ने घाटी के नौजवानों को आतंकवादी बनाने वाले से निकाह किया, क्योंकि इसे पाकिस्तान में नेकी बताया जाता है। मुशाल ने बचपन से जो सीखा अब अपनी बेटी को भी सिखा रही है। हाल ही में यासिन मलिक की बेटी को पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की कथित संसद भारत के खिलाफ बोलने के लिए इस्तेमाल किया गया।